Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Thanks to Almighty. Once again, I welcome you all to Hussaini Public High School HFD YouTube channel. Myself, Manzoor sir, with another video for 4th grade. And today, I have chosen lesson number 5 from your textbook, The Adventures of Little Hell. It is on page number 26. Dear students, this chapter is about Thomas Alva Edison, who was one of the best known inventors in history. Dear students, let's explain this lesson. अरे बच्चों, चूंकि सबक का नाम ही है The Adventures of Little Al. The word adventure, it means risky and डेंजरस टास्क, यानी खतरनाक काम. ऑफ लिटिल एल, एल वॉज द निकनेम ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन. डियर स्टूडेंट्स, चलो इस टाइटल को हम एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्च पार्ट्स ऑफ स्पीच. द जो इसमें है ये एडजेक्टिव है, एडवेंचर है ये नाउन है, और इट्स अ प्रपोजिशन. लिटिल adjective L, it's a name, it's a, I have already told you, it is a nickname of Thomas Alva Edison. Dear students, इस chapter में author ने Thomas Alva Edison के बचपन के बारे में, इसका physical जो health कैसा था, इसके inventions वगैरह के बारे में सब कुछ जानकारी दी. तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये point by point समझाने की, para by para समझाने की कोशिश करूंगा. Dear students, in the first paragraph में Thomas Alva Edison के बारे में ये कहा जाता है कि जो ये Thomas Alva Edison जो था, जो इसके माँ बाप थे, वालदेन थे, उनके साथ बच्चे थे, और सबसे जो छोटा वाला था वो Thomas Alva Edison था, इसीलिए इसको प्यार से सभी एल बोलते थे. एल जो था ये फिजिकली ही वॉज वेरी वीक, फ्रेगाइल और अनयूजुअल लार्ज हेड. इसका जो सिर था वो समझो समथिंग डिफरेंट, यूजुअली बाकी से वो बड़ा था, और इसका जो जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमजोर थे. फ्रेगाइल, यहां पे हमें लिखा है वर्ड फ्रेगाइल मीन्स वीक. ही वाज वीक यानी कि ही वाज प्रोन टू डिजीज, वो जल्दी से बीमार पड़ता था, और यही वजह था कि इसको बहुत सालों तक स्कूल में ही छोड़ा गया, यानी कि he was not allowed to go to school for many years because of his poor health. Physically, he was not fit to go to school. इस जो इसका health जो था, physical जो weakness की वजह से वो school नहीं जा पा रहा था, और जब इसको कुछ सालों के बाद school छोड़ दिया गया, तो he was poor in studies. वो at studies, he was poor at studies. वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे. वो अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता था. एक दिन क्या हुआ कि इसका जो टीचर था, इसने इसके माँ के सामने बोला, he's adolescent. Adolescent means confusion, यानी कि वो नहीं पढ़ पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है. इसकी जो माँ यानी थॉमस एल्वा एडिसन की जो माँ थी, वो खुद भी एक टीचर थी. इसने फैसला किया, she decided to withdraw Thomas Alva Edison from school and educate him at home. इसने फैसला किया मैं इसको स्कूल से निकालूंगी और इसको घर पे ही पढ़ाऊंगा. इस तरह इसने Thomas Alva Edison को स्कूल से निकाला और घर में पढ़ाना शुरू किया. Dear student, ये जो Thomas Alva Edison जो था, he was daring. Daring means वो दिलेर था, यानी कि वो adventures करता था, यानी he was doing risky and dangerous tasks. वो खतरनाक काम करता था. Dear students, अगर Thomas Alva Edison physically weak था, जिस्मानी तो कमजोर था, लेकिन बहुत दिलेर था, वो ऐसे खतरनाक काम करता था, like जो adventures होते थे, जिनमें जान का खतरा होता था, लेकिन बहुत सारे वो ऐसे काम करता था. At the age of 6, जब वो 6 साल के थे, तो क्या हुआ अचानक, he went missing. वो गायब हो गए. After anxious search, जब इसको बहुत तलाश किया गया,
तो इसके बाप ने इसको एक बैरन से, यहां पे हमें लिखा कि बैरन बाप के अपने बुक पे है, बैरन मीन्स गोडाउन, गोदाम जिसको कहते हैं, जो वहां पे बहुत सारी चीजों को स्टोर, यूजुअली जो लार्ज फार्म बिल्डिंग स्टोर ग्रेन्स एंड कीप एनिमल्स, जहां पे ग्रेन अनाज वनाज जखीरा किया जाता था, तो वही पे इसको पाया गया. What was he doing there? Do you know? He was sitting on eggs in the nest. वहां एक घोंसला था, इसने पहले ही घोंसला बनाया था और उसमें इस घोंसले में अंडे रखे थे, उन्हीं पे बैठा था. पता है क्यों? एक्चुअली थॉमस अल्वा एडिसन ने देखा था जिस तरह एक हंस और मुर्गी अपने चूजों पे बैठकर उन चूजों से अंडों से चूजे निकालती है. तो इसने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो माइंड एक्चुअली था वो इनोवेटिव माइंड था, वो कुछ नया इजाद करना चाहता था. इसलिए इसने सोचा कि जैसे मुर्गी या हंस ऐसा कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं. क्योंकि आप डियर स्टूडेंट्स, ये जो थॉमस अल्वा एडिसन था वो रेगुलर स्कूल नहीं जाया करता, he did not attend school regularly, वो रोज स्कूल नहीं जाता था, लेकिन he was fortunate की वजह से था, खुशकिस्मत की वजह से था, इसका जो घर का माहौल था वो पढ़ा लिखा माहौल था, यानी कि इसकी माँ भी, मैं कह चुका हूँ कि इसकी माँ भी टीचर थी घर में, बाप भी पढ़ा लिखा था, इसलिए उनके घर में बहुत सारे एक अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, बहुत सारे किताबें थी. तो इसने क्या किया, इसको बहुत सारे किताबें पढ़ने का मौका मिला और इसने पढ़ी भी बहुत सारे किताबें. यूजुअली वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ता था, साइंस की किताबें पढ़ता था और वो साइंटिफिक बुक्स भी पढ़ता था, जो बच्चे के समय से बहुत, मतलब बच्चे के अभी से बहुत बाहर थे, वो किताबें भी पढ़ता था. जो थॉमस अल्वा एडिसन था, इसने फिर बाद में क्या किया, इसने अपने आप एक लेबोरेटरी घर में कायम की. घर में कहा जो इसका एक सेलर था, यानी कि तहखाना, तहखाना जो अंडरग्राउंड एक कमरा होता था, इसमें एक इसने अपनी एक लेबोरेटरी तजुर्बागाह कायम किया. When he was 10 years old, जब वो 10 साल का था, तो जो भी किताब में, जब भी वो कभी कोई किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ता था, तजुर्बे के बारे में पढ़ता था, वो क्या करता था, वो इसको अपनी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली करता था, अमली तौर पर इसको वो करता था. इसने ऑलमोस्ट तकरीबन 200 बॉटलें केमिकल्स की जमा की और उनको शेल्फों पे अच्छी तरह अरेंज करके रखा था और इन पे लिखा था पॉइजन, ताकि सो इसलिए कि नो वन कुड डिस्टर्ब देम, इनको कोई डिस्टर्ब न करे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए इसको पैसों की बहुत जरूरत पड़ती थी, पैसे उसको लगते थे. तो इसका जो पॉकेट मनी होता था, द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूमड द बॉयज पॉकेट मनी रैपिडली, उसका जो पॉकेट मनी होता था वो जल्दी से उसको वो खर्च हो जाता था. इसलिए इसने क्या किया, ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़पेपर, दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड. इसने क्या किया, इसने अखबार बेचने का काम शुरू किया, अगरचे उसके पेरेंट्स ने इसको ऑब्जेक्ट किया, एतराज किया, कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने उनको कहा कि मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, फॉर एक्सपेरिमेंट, आई नीड मनी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, तो इसके अलावा, बिसाइड्स, इसके अलावा मुझे मौका मिलेगा अखबार और मैगजीन मुफ्त में पढ़ने का. तो ये सुन के उसके वालदे ने, पेरेंट्स ने जा दी, चलो ठीक है. तो इसके बाद क्या हुआ कि ये अखबार बेचता रहा, इसने एक रेल में अखबार बेचना शुरू किया. तो इस रेल में क्या था, इसमें एक कंपार्टमेंट था, डिसयूज्ड कंपार्टमेंट था, यानी कि जिसका इस्तेमाल नहीं होता था, उसको वही कंपार्टमेंट दिया गया, ताकि सो दैट एडिसन कैन कीप हिज पेपर्स देयर. ही केप्ट हिज पेपर्स देयर, बट बिसाइड्स ही आल्सो ट्रांसपोर्ट हिज लेबोरेटरी from the cellar and set it up on the train. इसने क्या किया, जो उसको तहखाने में जो उसने एक लेबोरेटरी रखी थी, उसको उठाकर शिफ्ट किया कहां, इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में. फिर क्या, तो वहीं पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स अखबार भेजने के साथ साथ वो वहीं पे वहां पर अखबार भी भेजता था, एक्सपेरिमेंट्स भी करता था. बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन क्या होता है, ये ट्रेन जो है ना, ये एक दिन तेज चलती है, पटरी एक जगह पे खराब थी, वहां पे बहुत ज्यादा झटका लगता है जोर से. जब भी आपने देखा होगा, जब भी गाड़ी कभी किसी खराब खस्ता रोड पे चलती है, तो वहां पे इसको झटके लगते हैं. ट्रेन को भी जबरदस्त झटका लग गया. इस झटके की वजह से क्या हुआ कि जो थॉमस अल्वा एडिसन ने जहां पे वो केमिकल्स वगैरह रखे थे,
वो नीचे गिर गई। इनमें क्या कहता, इनमें था फास्फोरस। फास्फोरस आपको पता है जैसे ही आग पकड़ते हैं तो आग लग गई कंपार्टमेंट, उस डिसयूज्ड कंपार्टमेंट में आग लग गई। द बॉय ट्राइड हार्ड कच द ब्लेज। इसने क्या किया, इसने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। और इसी दौरान क्या हुआ कि जो ट्रेन का जो कंडक्टर था वो भी वाटर लेके आया, उसने उस आग को बुझा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे वाले सिचुएशन पे पहुंच गई तो क्या हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन को इन सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया। और थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया, थॉमस एडिसन बेचारा रो रहा था, इसके आंखों में आंसू थे और वो जो इसके जो केमिकल वो बॉटल वाटले वो टूटी हुई थी। और इतना ही नहीं, ये जो कंडक्टर था इसके बाद इसको बहुत गुस्सा चढ़ गया इस कंडक्टर को। इसने एक ऐसा थप्पड़ इसके कान पे जड़ दिया कि वो बहरा हो गया, थॉमस एल्वा एडिसन बहरा हो गया। लेकिन इसके जो मतलब वो जो बहरा हो गया इसने कंट्रोल ये ठीक ही हुआ, क्योंकि आप जो बाहर की जो आवाज है जो मुझे अपनी तरफ खींची है, जब मैं सुनूंगा ही नहीं तो मैं इनकी तरफ जाऊंगा ही नहीं और मैं ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा अपने एक्सपेरिमेंट्स पर, मैं ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन ने एक स्टेशन एजेंट के बेटे की जान बचाई थी, यानी कि वो ट्रेन के साथ टकराने वाला था, थॉमस एल्वा एडिसन ने इसको इसकी जान बचाई थी। इसके बदले में इस स्टेशन एजेंट ने क्या किया, इसको टेलीग्राफी सिखाई, फिर इसको ऑपरेटर बना दिया। एडिसन ने अपनी जिंदगी में वो हमेशा वो तजुर्बात करता रहा, नई नई मशीनें बनाता रहा। इसने अपनी एक बैद में अपनी एक फैक्ट्री सेटअप की जिसमें सैकड़ों के तादाद में लोग काम करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि इसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और उन शामों से ये थॉमस एल्वा एडिसन कहता है, डोंट वरी, कल हम दोबारा इस फैक्ट्री को बनाएंगे। इस तरह यश दिखाता है कि वो कितना हार्ड वर्किंग और कितना डेयरिंग था। 24 घंटों दिन रात 24 घंटे होते, इन 24 घंटों में 18 घंटे लगातार थॉमस एल्वा एडिसन और जो उसके साथ बाकी जो लोग थे वो काम करते थे, यानी कि वो अंथक मेहनत करते थे। इसका नतीजा क्या निकला कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत सारे इन्वेंशन किए। इसकी खासकर इन्वेंशन में है इलेक्ट्रिकल बल्ब है, फोनोग्राफ है, मूविंग पिक्चर्स है। डियर स्टूडेंट, परहैप्स मुझे लगता है थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसा इन्वेंटर है, बहुत सारे इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस की इजादत की है इंसान की बका के लिए है, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन की जो इजादत थे वो आम इंसान के बहुत काम आए हैं। जैसे आप लीजिए इलेक्ट्रिकल बल्ब लीजिए, अगर हम देखते हैं आजकल की दुनिया में आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट इलेक्ट्रिकल लाइट। अगर एक दिन कभी लाइट चली जाती है तो जैसा ये दुनिया जैसी डार्क एंड जैसी वैरान लगता है, तो मुझे लगता है परहैप्स उसकी जो इन्वेंशंस ज्यादा, परहैप्स नो अदर इन्वेंटर हैज एनरिच्ड आवर डेली लाइफ एज मच एज थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन के जो इन्वेंशंस थे हमारी जिंदगियों में मतलब ज्यादा हमारी जिंदगी ज्यादा आसान हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। अब आप क्या क्या करना है कि जो आपकी बुक पे है जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनकी मीनिंग दी हुई है, आप उनको लर्न कीजिए और बाकी जो चूज द करेक्ट आंसर्स है या जो भी कॉम्प्रहेंशन है, आंसर द क्वेश्चंस है, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, इसके लिए आप स्कूल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ में वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी है वो आप लर्न भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग अपने टाइम घर में अपना टाइम यूटिलाइज करोगे। डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट दिस लेसन। स्टे होम, बी सेफ, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।